अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका फेवरेट तरीन ड्रामा कौन सा है? इस वक्त जो ड्रामा आपके माइंड में आया है यकीनन वही आपका फेवरेट सीरियल होगा। लेकिन अगर आज के वीडियो में दिखाए जाने वाले ड्रामास आप देख लेंगे यकीनन आपको अपनी चॉइस पर फिर से गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो के ड्रामास ऐसे हैं जो आपके फेवरेट हो सकते हैं। आप इन ड्रामास को ना देख कर बहुत पछताओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, सीरियल किलर। ड्रामा सीरियल किलर ग्रीन टीवी सीरियल है जो यूट्यूब पर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नया क्राइम थ्रिलर ड्रामा शुरू हुआ है, 4 एक साथ आ चुकी हैं। ड्रामे की कहानी अच्छी है लेकिन लगता है प्रोड्यूसर के पैसे कम पड़ गए थे जो कुछ चीजों में जान छुड़ा दी गई, जैसे कि एसपी सारा यानी सबा कमर का दफ्तर इतने बड़े कमरे में सिर्फ एक मेज और कुर्सी है। मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में किसी पुलिस वाले का ऐसा दफ्तर नहीं देखा। फिर जो ब्यूटी पार्लर वाली बाजी दिखाई है फायजा गिलानी, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने बहुत सी लड़कियों को स्टार बनाया, लेकिन बाजी का जिस तरह का पार्लर है वहाँ कोई आम काम करने वाली मासी मेकअप कराने न जाए, बड़े स्टार्स क्या खा कहेंगे। वो नीली पीली बत्तियां लगाकर पता नहीं कौन से मुल्क के टॉप मेकअप आर्टिस्ट दिखाया गया, जो कि ड्रामे में मेकअप के नाम पर बालों में गंदा सा स्प्रे छिड़क कर कहती है, डार्लिंग यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बन गया है, बाजी इससे अच्छा हेयर स्टाइल तो मैं बना दूं। फिर सबा कमर की एक्टिंग अच्छी है लेकिन इस रोल में बहुत ज्यादा ग्लैमरस लग रही है, इसके मेकअप पर थोड़ा हाथ होला होना चाहिए था। एक पुलिस वाली जो सारा दिन सड़कों पर खाक छानती है धूप मट्टी गर्मी में, लेकिन मैडम सारा का मेकअप परफेक्ट है, इस किरदार के लिए नो मेकअप लुक अच्छी थी। नंबर 9, खई। जियो टीवी पर खई नाम का ड्रामा इन दिनों ऑन एयर है। कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की जाए तो बुनियादी तौर पर कबायली दुश्मनी पर मबनी कहानी है जो दहाइयों चलती है, अमूमन इससे कई नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में फिल्माया गया ये सीरियल अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से भी ध्यान खींच रहा है। मुझे खई की कहानी संगे मरमर जैसी लग रही है लेकिन ओवरऑल ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें फैसल कुरैशी के वालिद का किरदार अदा करने वाले खालिद बट गुज़िश्ता हफ्ते इंतकाल कर गए हैं। खई का मानी किसी को मालूम हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नंबर 8, राही जुनून। राही जुनून ड्रामा मोहब्बत के जुनून की कहानी है। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर किया जा रहा है। ड्रामे के मेन रोल में दानिश तैमूर है। दानिश तैमूर जिस ड्रामे में नजर आते हैं तो बंदा खुद ही अज्यूम कर लेता है कि ये ड्रामा जुनूनियत की दास्तान होगा। इनके पुराने ड्रामास का रिकॉर्ड ही कुछ इस तरह से है। इस ड्रामे में भी दिखाया गया है कि दानिश तैमूर मोहब्बत की खातिर एक वहशी इंसान का रूप किस तरह धार लेते हैं, लेकिन इस ड्रामे में एक जबरदस्त किस्म का ट्विस्ट भी है जो आपको इससे पहले के दानिश के ड्रामास में कहीं नजर नहीं आने वाला, तो इसके लिए आपको ड्रामा जरूर देखना होगा। नंबर 7, यूं ही। यूं ही ड्रामा एक सुपरहिट ड्रामा स्टोरी है। इस ड्रामा सीरियल यूं ही में बहुत से पैगामात इंतहाई सादगी और खूबसूरती से दिए गए हैं। माया अली के साथ कई मरतबा इश्तेहारात और फोटोशूट्स में नजर आने वाले बिलाल अशरफ ने पहली बार माया के साथ अदाकारी का अपना तजुर्बा बेहतरीन करार दिया। उनका कहना था कि इतनी जबरदस्त अदाकारा के साथ काम करना बहुत ही अच्छा होता है। बिलाल अशरफ ने अपने हालिया इंटरव्यू में ये भी कहा कि उन्होंने ड्रामा करना माया अली से ही सीखा है। बिलाल अशरफ को बरतानवी जरीदे ईस्टर्न आई ने एशिया के 50 पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर रखा था और वो टॉप 3 फहरिस्त में वाहिद पाकिस्तानी थे। इस सीरियल में माया अली और बिलाल अशरफ बिलतरतीब तनीस फातमा और दाऊद के मरकजी किरदारों में जलवागर हो रहे हैं। नंबर 6, उखाड़ा। ड्रामा सीरियल उखाड़ा हाल ही में ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल पर नशर होना शुरू हुआ है। ये बहुत ही शानदार ड्रामा सीरियल है। पाकिस्तान के मशहूर अदाकार फिरोज खान जो अपनी निजी जिंदगी की वजह से काफी अरसे से तनाजात में घिरे हुए हैं, ड्रामा सीरियल अखाड़ा के साथ ड्रामा इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं। ड्रामे में फिरोज के साथ सरा असगर है। सरा असगर ने कहा कि फिरोज खान के साथ काम करने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, वो अपने काम के साथ बहुत ईमानदार हैं। अंजुम शहजाद की हिदायतकारी में बनने वाला ड्रामा सीरियल उखाड़ा ग्रीन एंटरटेनमेंट पर पेश किया जाएगा, जिसकी कहानी कुश्ती और दंगल के गिर्द घूमती है। फिरोज खान के अलावा ड्रामे की कास्ट में सरा असगर, फराज फारूकी, इना अफरीदी, सोनिया हुसैन, निदा मुमताज और देगर शामिल हैं। नंबर 5, नमक हराम। ड्रामा सीरियल नमक हराम पोस्ट मैरिजेस पर मबनी एक लव स्टोरी और रोमांटिक कहानी है। कहानी में ठहराव नहीं है,
ये इंतकाम की आग की तरह तप रही है, वही तेजी जो जंगल की आग में होती है। मुसन्निफ सकलैन अब्बास हैं, वकाल में बहुत जानदार और फलसफा जीस्त तो जहानत के आयनादार हैं। डायरेक्टर शकील खान हैं। इमरान अशरफ की अदाकारी के बारे में बस एक जुमला काफी है, इमरान अशरफ आप छा गए हैं। ड्रामा एमडी प्रोडक्शन का है और हम टीवी से नशर हो रहा है। बुनियादी ख्याल ताकतवर घरानों से लिया गया है, जहां दौलत तो कसरत से है लेकिन रिवायत परस्ती भी बकसरत मौजूद है। हमने किसी सूबे या किसी जगह की तहजीब को नहीं दिखाया, जैसे मॉडर्न टेलीविजन तहजीबी रंग की जगह जर्नल तासुर देता है, ताकि हर कोई इसे खुद से जोड़ सके। नंबर 4, झोंक सरकार। लेटेस्ट ड्रामा झोंक सरकार एक सिसकते हुए माहौल की कहानी है। झोंक सरकार ड्रामा मर्द औरत की कहानी नहीं है, अमीर और गरीब के निजाम पर बात हुई है। वो निजाम जो गरीब को खा रहा है, वो निजाम जो अमीर को अमीर तर कर रहा है। छोटी छोटी हुकूमतें मिलकर बड़ी हुकूमत को कैसे कंट्रोल करती हैं? बड़ी हुकूमत कैसे मजबूर होती है? वोट ताकत कैसे बनता है और किसकी ताकत होता है? वोटर कैसे निजामे जमहूरियत का नुमाइंदा है? इसमें सरकारी अफसरान कैसे काम करते हैं? वो निजाम के हाथों खुद कहाँ और कैसे मजबूर हैं? और उनको क्या कुछ का सामना करके मुलाजमत करना पड़ती है? जो कुछ नशर किया जा सकता था वो तो कर दिया है। बाकी न्यूज चैनलों की खबरें, सोशल मीडिया की कहानियाँ जमा तफरीक करके जर्ब दे लें तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है। नंबर 3, मन्नत मुराद। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद हाल ही में खत्म हुआ है। मन्नत मुराद इख्तिताम पजीर हुआ। ये खालिस्तन हमारे मुआशरे की अकासी करता ड्रामा था। मनफी किरदार उतने ही मनफी थे जितने मुआशरे में अक्सरियत में मौजूद हैं। मस्बत भी कोई मावराई मखलूक नहीं दिखाए गए, ना कोई जालिम ना कोई मजलूम, सब रिश्तों को टैकल करने की कहानी। हकीकत पसंदी से कहानी का ताना बाना बुना गया। बेटे के लिए इंतहा से ज्यादा पोजेसिव माँ, हर वक्त मेरके में लड़की ब्याही बेटियाँ और उनके निकम्मे शोहर, बहनों की दूसरी बहनों के घर में मुदाखलत। इसके साथ ये भी दिखाया गया कि ऐसे ही किरदार दूसरी तरफ भी थे, जैसे मन्नत का बड़ा भाई, लेकिन उनकी हर सियासफेद मान की उनको शहन नहीं दी जाती थी, तभी उनकी मनफियत या पोजेसिवनेस ने हदूद क्रॉस नहीं की और दूसरों की जिंदगी में बगाड़ पैदा नहीं किया। यहाँ ये सबक मिलता है कि घरों में आसपास ऐसे किरदार हों भी तो उनको अपनी जिंदगी की बागडोर मत थमाएं, खुद मजबूत रहें, गलत दुरुस्त में तमीज रखें। नंबर 2, फेरी टेल सीजन 2। किसी भी ड्रामे का सीक्वल आसान नहीं होता, लेकिन एक ड्रामा ऐसा है जिसकी सीजन 2 की डबल एपिसोड पेश की जा रही है, वो है ड्रामा फेरी टेल। ये ड्रामा इतना पसंद किया गया कि अब इसका सीजन 2 पेश किया जा रहा है। पहले सीजन में फेरी टेल ने हमें पुरजोश नौजवान से मुतारिफ करवाया, जिसे बासलाहियत सैफ खान ने नाकाबिले यकीन अंदाज में निभाया। दकियान उसी तस्वुरात को तोड़ते हुए उम्मीद ने अपने ख्वाबों की तकमील का जो अज़्म किया, उसे नहायत हिम्मत से आगे बढ़ाया। उसके हौसले और अज़्म ने एक जानिब नाजरीन को मुतासिर किया तो दूसरी जानिब सैफ खान को एक कामयाब अदाकारा करार दिया। हमजा सुहेल यानी फरजाद और उम्मीद के दरमियान मौजूद केमिस्ट्री ने ड्रामे को इंतहाई दिलचस्प अंदाज देकर स्क्रीन पर अनमिट नकुश साबित कर दिए। नंबर 1, एहसान फरामोश। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश इस वक्त AIY डिजिटल पर खासा मशहूर है। एहसान फरामोश में हुमायूं अशरफ, कबीर, मोमिना इकबाल, फलक मनफी किरदार, रानिया अनवर, आलिया, मिशाल खान नवाल, सलमान सईद, अतीका ओढ़ो, सदफ एहसान, जवेद इकबाल, जफर महमूद और देगर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। ड्रामे के हिदायतकारी के फराज सईद फैसल बुखारी ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी ताहिर नजीर ने लिखी है। एहसान फरामोश एक कहानी है जिसमें बताया गया कि किस तरह हसद और हसद आपकी जिंदगी और आसपास के लोगों की सबसे कीमती चीजों को तबाह कर सकता है। नए ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में मिशाल खान के रूप में बड़ी तब्दीली आसानी से महसूस की जा सकती है। अपने मौजूदा सीरियल में मिशाल खान का चेहरा कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। वैसे चंद मदाहों के मुताबिक मिशाल खान ने लिप फिलर्स किए हैं। सूरज चंदा और परिजात जैसे पुराने ड्रामा में मिशाल खान के होंठ कदरे पतले थे, लेकिन इनके हालिया तस्वीरों में खास तौर पर ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इनके होंठ भरे हुए नजर आ रहे हैं। ताहम मिशाल खान अपने तमाम ड्रामों में बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, क्योंकि वो कुदरती तौर पर खूबसूरत हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।